इस प्रोडक्ट से मैंने 100+ YouTube वीडियोस, Instagram पूरा पेज और अपनी पूरी कॉलेज स्टडी पूरी करी है। ये प्रोडक्ट है MacBook Air 2017, 8GB 128GB मेरे पास वेरिएंट है और मैंने ये जुलाई 2019 में लगभग 65,000 रुपीज का लिया था। आपको इसको बताऊंगा कि ये मेरे लिए आज तक की बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्यों रही है और हाँ, इन जनरल मैकबुक काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट क्यों रहते हैं। 3 साल पहले मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने लगभग सेम प्राइस रेंजेस में ही लैपटॉप्स बाय करे थे। मैंने ये मैकबुक बाय करा था, वहीं मेरे फ्रेंड्स ने कोई भी विंडोज लैपटॉप बाय करे थे, लेकिन उनको 3 साल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे कि बैटरी हो गया, उनके स्टोरेज ऑप्शंस हो गया, उनकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गया। लेकिन 3 साल में लिटरली एक भी प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे एक बार भी सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो परफॉर्मेंस के वाइज बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा है ये लैपटॉप। इस पर मैंने 100+ वीडियोस एडिट करी हैं, इंस्टाग्राम पेज ग्रो करा है और हाँ, साथ ही साथ सारे का सारा कॉलेज वर्क भी इसी लैपटॉप पे हुआ है। इसमें डुअल कोर i5 है। ये देखने में ऐसा लग सकता है कि काफी ज्यादा कम परफॉर्मेंस देगा, लेकिन सही मानिए बहुत बड़ी बात है कि इस लैपटॉप पे इतना ज्यादा काम हुआ है। मैंने कोडिंग तक करी है, एंड्रॉयड स्टूडियो तक यूज करे हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस रही है, कभी भी इसने मुझे धोखा नहीं दिया। अगली बात है इस पे कीबोर्ड और ट्रैक पैड। मैं बता सकता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया कीबोर्ड है, टाइपिंग एक्सपीरियंस 100/100 है इस कीबोर्ड पे। साथ ही साथ बैकलिट भी है, यानी कि लाइट चलेगी रात को। ट्रैक पैड भी काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट्स है इस मामले में भी। कीबोर्ड और ट्रैक पैड के मामले में भी काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मेरा रहा है। अगली बात है बैटरी। 3 साल यूज़ करने के बाद भी इसकी बैटरी विदाउट प्लग इन करके 5 से 6 घंटे चल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। 5 से 6 घंटे 3 साल के बाद भी बहुत बड़ी बात होती है। इसी के साथ साथ लाइट वेट बहुत है, इन मैकबुक जनरल काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट रहते हैं, आपको कैरी करने बहुत बढ़िया रहते हैं, इस मामले में भी काफ़ी बढ़िया ये लैपटॉप रहा है। अगली बात है इकोसिस्टम। अगर आपके पास आईफोन है या फिर आईपैड है तो आपके लिए डेफिनेटली मैकबुक्स काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रहेंगी, बहुत जल्दी इनके साथ पेयर हो जाता है। कॉपी पेस्ट करना हो, ट्रांसफर करना हो, कुछ भी करना हो, बहुत ज़्यादा ईजी रहता है अगर आपके पास एप्पल का इकोसिस्टम है। तो इस कारण मेरे पास आईफोन भी है, बहुत बढ़िया मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है। अगली बात करें तो वो है बिल्ड। मैकबुक्स की बिल्ड बहुत बढ़िया रहती है, इसकी ओवरऑल मेटल बिल्ड है, ये एक दो बार गिरा भी है लेकिन कोई भी स्क्रैच, कोई भी बेंट नहीं आया। बिल्ड वाइज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लैपटॉप है, ये मेटल की बिल्ड है और साथ में इस वाले पे तो लाइट भी ग्लो करती है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। और बहुत बढ़िया पॉइंट है वो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। मैकबुक्स के बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स मिलती है। इस वक्त भी मुझे इस लैपटॉप पे 5 साल पुराने लैपटॉप पे भी अभी तक अपडेट्स आ रही हैं, रेगुलरली अपडेट्स आ रही हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात। अगर अब बात करें कॉन्स की, इसमें डिसएडवांटेजेस क्या रहे हैं, सबसे पहले रही है इसके डिस्प्ले, बहुत ज़्यादा बड़े बेजल्स हैं। मैं कह सकता हूँ कलर वाइज ओके है, लेकिन रेजोल्यूशन वाइज ये फुल HD भी नहीं है। तो अब नए मैकबुक्स आए हैं उनमें डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया, लेकिन हाँ, इस वाले मैकबुक में बेजल्स काफ़ी रहे हैं और इसके जो रेजोल्यूशन है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, तो ये इसका एक कॉन रहा है। मेन पॉइंट है हाई प्राइस, ये थोड़े ज़्यादा प्राइस ज़रूर है, लेकिन ओवर द लॉन्ग रन आपको बहुत ज़्यादा आपकी एक तरह के इन्वेस्टमेंट की तरह ही यूज़ करेंगे। थर्ड पॉइंट है लेस स्टोरेज एंड नो हार्डवेयर अपग्रेडेशन ऑप्शन। आपने एक बार कौन सा भी मैकबुक ले लिया उसके बाद आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, एप्पल से ऑफिशियली भी आप इसको अपग्रेड नहीं करवा सकते अपनी स्टोरेज को, अगर आपने एक बार कोई मैकबुक ले लिया तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अपने नीड के अकॉर्डिंग ही मैकबुक की स्टोरेज लीजिएगा। अब आपको कुछ सजेशंस देना चाहूँगा, प्लीज़ एक बार ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट 256GB वाला वेरियंट लीजिएगा, एटलीस्ट 128GB मेरे पास वेरियंट है, मुझे स्टोरेज की काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस होती है। अगर आप ज़्यादा देर के लिए मैकबुक यूज़ करना चाहते हैं, जो इनके अपडेट आएंगे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज लेंगे, तो प्लीज़ एटलीस्ट 256GB स्टोरेज ऑप्शन पे तो जाइए ही जाइएगा, क्योंकि हार्डवेयर इसमें अपग्रेडेशन नहीं होती, एक बार आपने जो मैकबुक ले लिया उसके बाद इसको आप अपग्रेड नहीं करवा सकते। इन पॉइंट है कि अगर आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ वेट करिए, मैकबुक एयर M2 चिप के साथ वाला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, थोड़ी देर आप वेट कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि M2 वाला मैकबुक एयर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस वाइज और ओवरऑल भी होने वाला है। थर्ड पॉइंट है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट डिस्काउंट अवेल कीजिएगा। मैंने यही गलती करती थी, मैंने स्टूडेंट डिस्काउंट अवेल नहीं किया था, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं प्लीज़ स्टूडेंट डिस्काउंट लीजिएगा, कम से कम आपको 10,000 रुपीज़ का फ़ायदा इससे ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, सबसे पहले तो वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी टेक कॉन्टेंट के लिए, और मेरे इंस्टाग्राम पेज @datatechpedia को भी जरूर से फॉलो कर सकते हैं। अगर फाइनल कंक्लूजन बताऊं तो अगर आपको ये वाला मैकबुक, बेजल्स वाला मैकबुक अभी भी 25,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ तक मिलता है, तो मेरे ख्याल में बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगी।
कोई भी विंडोज अगर लैपटॉप देखा जाए अभी भी 2500 रुपीज में मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट बहुत बढ़िया, कीबोर्ड सभी चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन आपको डिस्प्ले का अगर ज़्यादा काम है तो आप इसको स्किप करिए। पर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो डेफिनेटली अभी भी इस वक्त भी आप इसको 25,000 रुपीज तक जरूर से बाय कर सकते हैं। इन जनरल मैकबुक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहते हैं। अगर आप प्रोडक्टिविटी के साइड से देखा जाए, इसमें गेमिंग नहीं कर सकते वो आप सबको पता है, प्रोडक्टिविटी साइड से देखा जाए बहुत ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहती है मैकबुक्स इन जनरल, और काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी रहते हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।